साथियों नमस्कार। आज जो एक केस मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इस केस में कई गलतियाँ हुई हैं। पशुपालक भाई ने बड़ी बड़ी गलतियाँ की हैं और जिनका खामियाजा इस पशु को भुगतना पड़ा है। आप देख रहे हैं, एक ताज़ा ब्याई भैंस है जिसने 4 दिन पहले बच्चा दिया था। बाकी सारी बातें हम पशुपालक की जुबानी सुनते हैं और लास्ट में आपको इलाज बताऊँगा। क्या हुआ? क्या है भाई, तकलीफ क्या हुई है इसको? ओहो, तेज है। बच्चा कब दिया था? कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए ना, तो तकलीफ क्या हुई है? जर 4 दिन से निकली नहीं। नहीं, 4 दिन डॉक्टर ने बुला लिया। 2 बजे, 11 बजे, अच्छा, कितने बजे डिलीवरी, कितने बजे हुई थी? 2 बजे, 2 बजे डिलीवरी हुई थी। आपने डॉक्टर को कितने बजे बुलाया? 11 बजे 11 बजे। डॉक्टर तो उन्होंने आके निकाल दी जर, वो निकाला था, थोड़ा बहुत निकाला, थोड़ा बहुत नहीं निकाला, ऐसा ही था। यानी रात को 2 बजे डिलीवरी हुई है ना, हाँ, और सुबह 11 बजे आपने उनको बुलाया, लेकिन जर पूरी निकली नहीं है ना। कितनी की निकली थी? जैसे अंदाज से हमें पता तो रहता है कितनी बड़ी जर होती है, बस एक दो हाथ ही। हाँ, तो फिर पूरी निकली नहीं थी है ना। एक गोली लगाई शरीर के अंदर, अच्छा, शरीर के अंदर गोलियां भी रखी, 7-8 गोली। तो उनसे कुछ निकली क्या बाद में? बस वो ये बाहर है, वो बाहर बस ऐसा ही निकल रहा है ना। बस यूं ग्लूकोज लगाया दो। अच्छा, ग्लूकोज भी लगाया। वो यहाँ पड़े हैं क्या ग्लूकोज? कौन कौन से लगाए थे? कोई डब्बा वब्बा नहीं है? पड़ा है उधर, लेके आओ देखे। और क्या क्या इलाज किया इसका? और कुछ नहीं किया, बस वो ड्रिप लगाई थी, ग्लूकोज लगाया था ना। और हाथ हाथ डाल करके, पहले जैसे 11 बजे उनको बुलाया था तो उस समय तो उन्होंने हाथ डाल करके निकाल दिया, उसके बाद और हाथ थोड़ी दिया था? और भी दिया था। कब दिया था? है दूसरे दिन, दूसरे दिन है ना। कितनी बजे दूसरे दिन? अच्छा, 12-1 बजे, उस मतलब लगभग दोपहर के टाइम में ही। तो उस समय निकली नहीं क्या जर दोबारा हाथ दिया था? नहीं निकली थी। हाँ, फिर तो बच्चेदानी बंद हो जाती है ना। इसका मतलब जर तो इसके अंदर ही है, क्योंकि आप कह रहे हो एक दो हाथ, तो इतनी थोड़ी होती है जर, तो बहुत ज्यादा होती है। और खाना पीना बराबर कर रही है? कितनी बार भी आई हुई है ये? चार, पांचवा, पांचवा है ना, 5 बार भी आई हुई है, मतलब 5वीं बार भी आई है। तो कभी आगे कोई तकलीफ हुई भी आते समय? बिल्कुल भी तकलीफ नहीं। दूध देने में एकदम बढ़िया है। कितने महीने दूध निकाला था इस बार? कितने महीने छोड़ी, मतलब इसको? 20 दिन, बस 20 ही दिन छोड़ी थी। हाँ, ये थोड़ी सी एक गलती है। देखो, जो अच्छी भैंसे है ना, जैसा कि आपकी ये भैंस है, इनको कम से कम 2 महीने छोड़ना चाहिए, 1.5 महीने तो छोड़ना। ये लोभ वाली बात जरूर है। हाँ, 1-1.5 महीना देखो छोड़नी जरूरी है। भैंस की कोई गलती नहीं है, ये दूध देती रहेगी क्योंकि अच्छी है, लेकिन लगातार अगर दूध देती रहेगी ना, तो अंदर की जो मशीन है ना दूध बनाने वाली, वो खराब हो जाएगी। अपने घर पे आटा चक्की, उसको लगातार चलाओ देखे, तो वो रिपेयरिंग मांगने लग जाएगी। 12 महीना, हाँ, 1 साल के अंदर अंदर बच्चा दे दिया वापस। नहीं, भैंस में कोई कमी नहीं है किसी प्रकार की, लेकिन अब की बार जो हुआ है ना, ये गलत हुआ है। अब मान लो जर अगर अंदर रह गई, तो जर अंदर रहेगी तो फिर क्या होगा? बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाएगा, और इन्फेक्शन होने से फिर आगे जब होगी ना गैप इन, तो उस समय दिक्कत आएगी। इजीली गैप इन होगी नहीं है। बाकी अभी दूध दूध निकाला आपने, दूध में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चिथड़े खून कुछ नहीं, एकदम सही है। हाँ, क्योंकि कई बार है ना जर जब अटकती है ना, तो उस समय अडर में भी, मतलब थन में भी प्रॉब्लम हो जाती है। और बच्चा सही दूध पी रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। और ये भी खाना पीना बराबर कर रही है। हाँ, ये बात भी अच्छी है कि ये खाना पीना बराबर कर रही है, क्योंकि अगर खाने पीने में प्रॉब्लम होती ना, तो थोड़ी और दिक्कत हो जाती। यानी अभी तक इसको इन्फेक्शन हुआ नहीं है, लेकिन अगर वो जर मान लीजिए अंदर ही रहती है, तो आप सभी को पता है कि इन्फेक्शन होगा ही होगा। कौन सा ड्रिप कौन सा लगाया, एक बार दिखा देना। मोरी भाई, दो घंट गए डंडा खाएगा। अच्छा, ये तो नॉर्मल सेलाइन चढ़ाया है ना। अरे वो बोतल कौन सी बता रहे थे आप? बोतल तो भी तो दी थी ना, दिखाना एक बार बोतल। हाँ, वो ये बोतल आपने कितनी बार पिला दी इसको? अच्छा, ये यूट्रोफिट करके कोई है जो इन्होंने दी है। चलो अच्छा है, कोई बात नहीं। इलाज तो देखो अपनी तरफ से उन्होंने किया है तो सही किया है, लेकिन अपना काम अभी तक हुआ नहीं है। जब तक पूरी जर नहीं निकलेगी ना, तब तक ये मान लो कि दिक्कत ही है। और ऐसी दिक्कत अगर जर मान लीजिए अंदर थोड़ी सी भी रहती है ना, अब जैसे ये ब्लड आ रहा है ना, अभी ये ब्लड धीरे धीरे करके और पस का रूप ले लेगा। पस का मतलब क्या होता है? रस्सी जो रहता है ना, जैसे घाव में पड़ती है, वो रूप ले लेगा, और फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो आप चिंता ना करें, ठीक तो हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा बस।
साथियों, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है और अक्सर जब पशु हमारे डिलीवर्ड करते हैं, बच्चा देते हैं, उस समय ऐसी बातें हो ही जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? जैसा कि अभी आपने देखा कि इसकी कंडीशन जो है उसके हिसाब से काफ़ी जोर भी कर रही है और काफ़ी समस्याएं हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारा उद्देश्य रहेगा कि इसके बच्चेदानी की सफाई की जाए। अगर आप पशु चिकित्सक के पास जाते हैं तो वो कुछ इंजेक्शन्स वगैरह लगाएंगे और कुछ दवाएं छोड़ेंगे जिससे बच्चेदानी की सफाई हो जाएगी, अंदर जितनी भी जहर या जहर का टुकड़ा रहा हुआ है, और 100% पशुपालक की बातों से लग रहा है कि जहर अभी तक पूरी अंदर ही है, कोई थोड़ी बहुत ही गिरी है। तो 4 दिन हो गए हैं, तो 4 दिन बाद क्या होता है? 4 दिन बाद जो बच्चेदानी का मुँह है वो मुंह एक्चुअली बंद हो जाता है, जिसे हम सर्विक्स बोलते हैं, ओस बोलते हैं। सर्विक्स का जो बाहर का हिस्सा है, जो एक्सटर्नल ओस बोला जाता है, वो ओस बंद हो जाती है। तो जब बंद हो जाती है, जहर अंदर रह जाती है, तो वो कई बार टॉक्सीमिया की कंडीशन पैदा कर देती है, जिन्हें नॉर्मल भाषा में हम जहर हो जाना कहते हैं, कि जहर यानी प्लेसेंटा नहीं गिरी थी, उसकी वजह से फलां पशु को जहर हो गया। ऐसी कंडीशन होती है। कईयों में क्या होता है कि बच्चेदानी का मुंह थोड़ा बहुत खुला रहता है, जो ओस है, तो उसमें से धीरे धीरे करके तांते जो है वो गिरते रहते हैं, और 90% ऐसा ही होता है, धीरे धीरे करके तांते गिरते रहते हैं, धीरे धीरे करके सफाई होती रहती है। लेकिन ऐसी कंडीशन अगर धीरे धीरे हुई और काफ़ी दिन लग गए, तो इस दरमियान पशु कमज़ोर होता जाएगा, उसकी यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाएगा। तो यूट्रस में जब इन्फेक्शन होगा तो खाना पीना कम करेगा, और खाना पीना कम करेगा और ऊपर से यूट्रस में इन्फेक्शन, दोनों ही बातों से प्रोडक्शन बिल्कुल डाउन हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में पशु के बच्चा देने का किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं हुआ। तो हमें पहला स्टेप लेना है कि जब इलाज करवा चुके हैं तो उस कंडीशन में हमें कोई भी अच्छी कंपनी का इकबोलिक यानी जहर गिरने की जो अच्छी दवा है, जैसे एग्जावार आती है, हिमरोप आती है, यूट्रीवाइव आती है, कुछ ऐसी दवाएं हैं जो यूनिक है और इसी के लिए बनी हुई है और अच्छा काम भी करती है। हालांकि कोई सी भी अच्छी दवा आप लेके आ जाएं और 100-100 ml रोज इसे लगातार देंगे, तो उससे बच्चेदानी के अंदर जो मवाद है, जो जर है, जो मलबा है, वो सारा का सारा निकल जाएगा। इसके अलावा जो हमारा देसी नुस्खा है वो इसमें बहुत ही शानदार काम करेगा। अब हमें क्या करना है, 250 ग्राम गुड़ लेना है और 25 से 50 ग्राम, अगर मान लीजिए जहर की शिकायत नहीं होती तो हम 50 ग्राम लेते हैं, अदरवाइज 25 ग्राम हमें अजवाइन लेना है, 25 ग्राम हमें हल्दी लेना है, और 25 ग्राम ही हमें लेना है जीरा। तो हल्दी हो गया, जीरा हो गया और अजवाइन हो गया, तीनों को कूट लेंगे और कूट करके उबाल लेंगे। जबकि गुड़ को हमें उबालना नहीं है, गुड़ को हमें भिगोना है। तो गुड़ को भिगो करके और हम देंगे। तो गुड़ को हमने भिगो लिया है 250 ग्राम को, इन सभी चीज़ों को हमने पानी में उबाल लिया है, ठंडा कर लिया है, और ठंडा करने के बाद हम पशु को पिलाएंगे कंटिन्यूसली 4 दिन तक हम देंगे। तो इसी दरमियान कंप्लीट सफाई हो जाएगी। इसके अलावा जो मैंने अभी दवा बताई थी उसके साथ भी इसको दिया जा सकता है, ये भैंस एकदम से ठीक हो जाएगी।